नमस्कार दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि रायबरेली में आपने ऐसी प्रतिमा कहीं नहीं देखी होगी। ये जो प्रतिमा बनी चंदन की बनी हुई है और इसके अलावा रुद्राक्ष की माला से बनी हुई है। भगवान शिव और उसका एक प्रतीक भी यहाँ पे दिखाया गया हुआ है इस मूर्ति में, जो कि ठाकुर द्वारा मंदिर के पास बनी हुई है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पे आइएगा, सप्तमी अष्टमी और नवमी के दिन ही यहाँ पे पूजा। दोस्तों आपको बता दें कि हम यहाँ पे आए थे ठाकुर द्वारा महारानी पे और यहाँ पे हमें कमेटी मेंबर्स मिल गए हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कब से मूर्ति आ रही है। तो अंकल बताइए कब से मूर्ति आ रही है। विगत 26 वर्षों से यहाँ पर दुर्गा पूजा का महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जी जी, यहाँ की खूबी है कि हम सभी जो कार्यकर्तागण है, जी जी, प्रयास ये होता है कि हर वर्ष मूर्ति का नया रूप दिया जाए। कभी जैसे क्या दिख रहा है, रुद्राक्ष की माला की मूर्ति बनी हुई है, शेर हमारे चंदन की माला से निर्मित है। विगत 25 वर्षों से तरह तरह की मूर्तियां बनती रही है, कभी सिक्के की, कभी दाल की, कभी मेवे की जी, कभी मोतियों की जी जी। तो इस तरह से नया रूप हमेशा देने का प्रयास होता है माता का जी जी। बाकी भंडारा हमारा अष्टमी के दिन होता है जी जी, सॉरी महानवमी के दिन। महानवमी का महापर्व हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं जी जी। इसमें तरह तरह के व्यंजनों से माता को भोग लगाया जाता है जी, जैसे पनीर, चावल, छोला, सब्जी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, माता का सुहाग, अच्छा तरह तरह की चीजें वितरित की जाती है। और माता का विसर्जन शोभा यात्रा भी हम लोग बड़े हर्षोल्लास से निकालते हैं, बड़े धूमधाम से, जैसे प्रतापगढ़ से रथ आता है माता के लिए, और शहर के जो प्रतिष्ठित बैंड है वो हमारी माता की मूर्ति का आगमन करते हैं, और नगर की तमाम सड़कों से गुजरता हुआ शाम को राजघाट पे समाप्त होता है। और विगत 25 वर्षों से लगातार हर वर्ष नए थीम देने का प्रयास होता है। जैसे पिछली बार था तो हम लोगों ने चंद्रयान का लुक दिया था, चंद्रयान का, अब की है जंगल थीम दिया गया माता के दरबार को जी जी। जैसे आप देख रहे हैं वनस्पति लगी हुई चारों तरफ, तो इस तरह से माता के दरबार को सुजित किया जाता है। और सभी कर्मठ कार्यकर्ता हमारी कमेटी के जी जी, सब छोटे छोटे बच्चों का योगदान रहता है इस पूरे कार्यक्रम में जी जी। और हम जो वरिष्ठ सहयोगी है उनके वरिष्ठ हाथ रहता है उनके ऊपर, बाकी सब करते छोटे छोटे बच्चे से पैदा। इस बार ये कहा जा रहा है कि जो माता का लुक आया है इस बार कह रहे शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, शिव शंकर भगवान को जो है रुद्राक्ष पसंद है और माता को चंदन पसंद है जी जी। तो ये वही चीज उसी उदाहरण रख करके माता की मूर्ति जो आप वस्त्र देख रहे हैं जी, जो रुद्राक्ष की माला से बना हुआ है, और शेर जो पीछे आप देख रहे हैं ये चंदन की मूर्ति से बना हुआ है जी जी। ये मूर्ति अभी कहाँ से आती है? ये बंगाल के कारीगर निर्मित करते हैं इसको जी जी, और मुंशीगंज कार्यशाला है जी, बंगाल से आए उत्कृष्ट कारीगर जो इसको बनाते हैं। रात में कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जो भव्य होता हो? कल हमारे यहाँ गरबा, सॉरी डांडिया कार्यक्रम होगा जी जी, और परसों गरबा का कार्यक्रम होगा। महानवमी का महापर्व हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास बड़ा व्यंगम से मनाते हैं जी जी। उसमें तरह तरह के भोग लगते हैं माता रानी के, और उसके पश्चात यहाँ पर गरबा होता है। कल डांडिया कार्यक्रम है जी, जो आर्थिक पश्चात यहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ मंडी वाले कितना आपका सहयोग करते हैं? नहीं, मंडी का पूरा कॉपरेट है, बिना मंडी कॉपरेट कैसे नहीं हो सकता जी, मतलब सब पूरा सबसे सहयोग करते हैं पूरा। जाए कि जो कार्यक्रम यहाँ इसकी रूपरेखा इस प्रकार से है कि कल जो है सुबह यहाँ पे जो है व्रत का जो है खाना बटेगा, यानी कि कल अष्टमी दिन पड़ रहा है, गौरव अष्टमी का बना रहे थे, यहाँ पे जो है सुबह जो है व्रत का खाना बटेगा। इसके बाद फिर जो है यहाँ पे परसों भंडारा का यहाँ पे आयोजन किया गया है। इसके अलावा रात में जो है यहाँ पे डांडिया और गरबा नाइट का आयोजन किया गया है, और दशमी के दिन यहाँ पे माता सजन है, तो आप यहाँ पे जरूर आइएगा।